नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा बालाजी। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसा कि मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ जिसमें हमने पोषण पढ़ा था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए पाचन क्या होता है। तो पाचन की परिभाषा होती है पाचन भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। तथा इस पाचन क्रिया में काम आने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में क्या होता है कि भोजन जो हम खाते हैं खाना, उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होती है, वसा भी होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, सब होते हैं। तो इन ये सब क्या होते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फूड इनकी जटिल अणुओं के रूप में होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग इनकी जो तंत्र होता है, उस तंत्र का मूल इकाई होती है कोशिका, और कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और कोशिका खुद छोटी इकाई है तो उसको ऊर्जा भी बहुत ही छोटे रूप इनकी अणुओं के छोटे रूप होने चाहिए। तो उन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया होती है वो पाचन कहलाती है। और पाचन में जो तंत्र काम आता है, जो सिस्टम काम आता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि इसके अंदर पाचन में कुछ हार्मोन भी काम आते हैं, जैसे हार्मोन है, कुछ हार्मोन या रस काम आते हैं जो हमें विभिन्न ग्रंथियों से प्राप्त होते हैं, यानी कि पाचन में कुछ ऐसे भी कुछ हार्मोन होते हैं जो हमें विभिन्न ग्रंथियों से प्राप्त होते हैं, और इन ग्रंथियों को हम दो भागों में बांटते हैं। इन ग्रंथियों को ग्रंथियों के प्रकार, इनकी जो हम ग्रंथियां भी पढ़ेंगे साथ में, वो ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथि जिसमें जो जूस या एंजाइम बनता हो उसे हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, कोई रस या एंजाइम बनता है, या तो किसी प्रकार का कोई अग्नाशय रस हो या रस बनते हैं,
या एंजाइम बनते हो। तो रस या एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि बहिस्राव ग्रंथि होती है, जबकि हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इन दोनों को मिलाने के बाद में जो ग्रंथि बनती है उसे हम कहते हैं संयुक्त ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि। तीसरा प्रकार आता है वो आता है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है जो जूस भी बनाए, इनकी रस भी बनाए, एंजाइम भी बनाए और हार्मोन भी बनाए। तो ऐसी ग्रंथि जो किसी प्रकार का रस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाती हो उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मानव के पाचन में जो काम आती ग्रंथियां होती है वो होती है बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। जो हमारे पाचन तंत्र में काम आएगी वो आएगी बहिस्रावी ग्रंथियां। तो पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथि काम आती है? तो पाचन तंत्र में, मानव पाचन तंत्र में, मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो मानव पाचन तंत्र में बहिस्रावी ग्रंथि काम आती है। मानव पाचन तंत्र होता है उसमें बहिस्रावी ग्रंथि काम आती है। तो हम अभी हमारा जो एक पाचन का सामान्य परिचय था हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र के कौन क्या भाग होते हैं, उनके नाम लिख सीखते हैं। तो यदि आपको डायग्राम बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको डायग्राम हम एक रफली डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं कि कौन सा पाचन तंत्र का कौन सा अंग कहां से कहां तक। मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाते हम तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से मैं केवल अंदर के पाचन तंत्र का डायग्राम बना रहा, ना कि मानव की बाह्य बॉडी का। एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे एक कच्चा मानव का पाचन तंत्र के मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। जो इस प्रकार से है, क्या होता है कि हम इस मानव पाचन तंत्र को पढ़ते हैं तो
सबसे पहले हमें पाचन तंत्र के प्रमुख भाग भी पता होने चाहिए। तो इन पाचन तंत्र में सबसे पहला जो भाग हमारा आता है वो आता है मुख गुहा। इस भाग का नाम है मुख गुहा, या इसे हम मुंह भी कह सकते हैं। मुख गुहा के अंदर दो पार्ट हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे जीभ और एक हम पढ़ेंगे दांत। मुख गुहा के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है इसे हम कहते हैं ग्रास नली, या दूसरा नाम होता है इसका ग्रसिका। ग्रास नली के बाद में, या भोजन नली भी कह सकते हैं इसको, भोजन नली, भोजन नली के बाद में जो पार्ट होता है उसे तीसरा पार्ट हम कहते हैं पेट या आमाशय, पेट या आमाशय या उदर गुहा, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टोमक। तो फिर आता है इसके बाद चौथा पार्ट आता है, वो आता है छोटी आंत। और पांचवा पार्ट आता है, वो आता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद में आता है उसे हम कहते हैं गुद्दा या एनस। तो ये पाचन तंत्र के प्रमुख पार्ट हम पढ़ेंगे, मुख गुहा में पढ़ेंगे जीभ दांत, फिर ग्रास नली के बारे में, फिर पेट अमाशय इसके बारे में, छोटी आंत बड़ी आंत और गुद्दा के बारे में। इनके साथ साथ में हमारे पाचन तंत्र में जो बहिस्त्रवी ग्रंथियां आएगी काम में वो भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे। तो मुख के अंदर पहली ग्रंथि आती है उसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। पहली ग्रंथि पढ़ेंगे हम लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि हम पढ़ेंगे पेट में आती है उसे हम पढ़ेंगे जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि के साथ हम छोटी आंत में पढ़ेंगे यकृत या अग्नाशय, ये होता है हमारा यकृत या अग्नाशय, जो पत्ती के आकार की आकृति है अग्नाशय। अग्नाशय के साथ में ये हमारा होता है लीवर या यकृत, जो कि आमाशय के साथ में जुड़ा होता है लीवर, या इसे हम कहते हैं यकृत। और इसी के पीछे एक थैली जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। तो इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा पाचन तंत्र के प्रमुख भाग। तो पहला भाग है हमारा मुख गुहा, दूसरा भाग है ग्रास नली या ग्रसिका या भोजन नली, तीसरा भाग होगा पेट आमाशय उदर गुहा या स्टोमक, एक ही नाम कोई भी नाम से आ सकता है। उसके बाद में इसके अंदर जो हमारी लीवर या यकृत है, पित्ताशय अग्नाशय जठर ग्रंथियां हैं, ये पढ़ते रहेंगे साथ में। उसके बाद वहां हमारा आ गया छोटी आंत। छोटी आंत के हम तीन भाग पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद एनएस पढ़ेंगे। और यहां तक जब पूरा हो जाएगा तो हमारे पाचन तंत्र का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक मुख गुहा, जिसमें हम चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम था, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं आहार नाल। और इस आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है हमारे लगभग 9 मीटर या 30 फीट, यानी कि आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है
तो एक प्रश्न आप यहां लिख लीजिए पहले, आहार नाल की कुल लंबाई 9 मीटर या 30 फुट, या 30 फीट कहते हैं हमको उसको, तो लगभग ये होती है 9 मीटर या 30 फीट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक मुख गुहा। तो मुख गुहा भोजन के पाचन की जहां से शुरुआत कहां से होती है, तो मुख गुहा से होती है, यहां से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जहां से पाचन की शुरुआत होती है, तो होती है मुख गुहा से, या इसे माउथ कैविटी भी कहते हैं। मुख गुहा में हमारा पहला टॉपिक आता है, वो आता है दांत। तो दांतों का अध्ययन किस करना क्या कहलाता है, तो दांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डेंटोलॉजी। ओ साइलेंट रहता है और नाम होता है इसका डेंटालॉजी। ओडेंटोलॉजी ना पढ़ के डेंटोलॉजी पढ़ते हैं। और दांतों के गुण क्या होते हैं, मानव के दांत के गुण होते हैं, वो होते हैं कि मानव के दांत द्विबार दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। पहला गुण है मानव दांत का कि मानव के दांत है जो द्विबार दंती होते हैं। फिर आता है मानव के दांत है वो ग्रत दंती होते हैं, दांत ग्रत दंती होते हैं। तीसरा आता है कि दांत विषम दंती होते हैं, दांत विषम दंती होते हैं, इनकी दांतों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि द्विबार दंती का मतलब क्या होता है, तो द्विबार दंती इसका मतलब होता है कि दो बार प्राप्त होना, दो बार प्राप्त होना। हमने देखा होगा कि हमारे दांत दो बार आते हैं, एक दांत होते हैं जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, और दोबारा जो आते हैं उसे हम स्थायी दांत कहते हैं, स्थायी दांत। ये होते हैं अस्थायी दांत। यानी कि हमारे, हमने देखा होगा कि बच्चा होता है छोटा, जब उसके दांत आते हैं, जब 7-8 साल का हो जाता है, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू होते हैं, नए दांत आ जाते हैं। तो जो छोटे दांत होते हैं, छोटे बच्चे के दांत दूध के दांत कहलाते हैं। उसके बाद में जो बड़े वयस्क के दांत आ जाते हैं उसे हम स्थायी दांत कहते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या पूछी जाती है कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या होती है आपकी होती है 20, और स्थायी दांतों की संख्या होती है वयस्क मनुष्य में वो होती है 32। अब आपने को ये पूछा जाता है कि जीवन में दो बार दांत, कितने दांत होते हैं जो दो बार प्राप्त होते हैं। काफी बार पूछा जाता है कि जीवन में कितने दांत दो बार प्राप्त होते हैं, जीवन में कितने दांत दो बार प्राप्त होते हैं। तो देखो 20 दांत होते हैं दूध के, तो गिर के वापस आते हैं, तो 20 दांत दो बार प्राप्त होते हैं, 20 दांत तो दो बार प्राप्त होते हैं। और कितने दांत है जो एक बार ही प्राप्त होते हैं, कितने दांत एक बार प्राप्त होते हैं। तो जीवन में 12 दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक ही बार आते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। तो 12 दांत होते हैं वो एक बार प्राप्त होते हैं, जबकि 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में दो बार मिलते हैं। अब क्या आता है कि इसका हमने द्विबार दंती का मतलब पढ़ लिया, तो ग्रत दंती का मतलब क्या होता है, तो ग्रत दंती का मतलब होता है एक विशेष प्रकार में
धंसे रहते हैं, धंसे या जमे रहते हैं, यानी कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं या वयस्क दांत होते हैं तो दोनों जबड़ों में रहते हैं, और दोनों जबड़ों में क्या होता है कि इनकी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसमें जमे हुए रहते हैं। तो गर्त तंत्री का मतलब होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि विषम दंती में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं हेडिंग दांतों के प्रकार। तो मानव में दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अब वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं कृतंक, दूसरा आता है उसे हम कहेंगे रदनक, और तीसरे आते हैं अग्रचयवर्णक, और चौथे आते हैं चयवर्णक। यानी कि हमारे मनुष्य में दांत चार प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदनक, अग्रचयवर्णक और चयवर्णक। इनकी संख्या पूछ जाती काफी बार। तो कृतंक दांतों की संख्या होती है आठ, रदनक दांतों की संख्या होती है चार, अग्रचयवर्ण की संख्या होती है आठ, और चयवर्ण की संख्या होती है 12। तो इसे हम 8, 4, 8, 12 जोड़ते हैं तो 12, 12, 24, 8, 32 ये क्या होते हैं? दो प्रकार के, एक ऊपरी जबड़ा होता है, निचला जबड़ा होता है, तो दोनों में चार चार होते हैं, ये दोनों में दो दो होते हैं, ये आठ आठ होते हैं और ये चार चार होते हैं और ये छह छह होते हैं। अब क्या आता है कि जो कृतंक दांत होते हैं उनका कार्य क्या है? तो कृतंक दांत का कार्य होता है भोजन को कटिंग करना, भोजन की कटिंग करना। यानी कि जो भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता होता है कृतंक दांत काम करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, रदनक, और भोजन को पीचने का काम करते हैं, पीसते हैं भोजन को, वो करते हैं अग्रचयवर्णक, भोजन को पीसने का कार्य अग्रचयवर्ण करते हैं, और भोजन के साथ में लार मिलाने का काम करते हैं चयवर्णक करते हैं, भोजन के साथ लार मिलाने का काम। तो आपको पूछे जाते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांतों की संख्या कितनी होती है, उसका कार्य क्या है? तो दांत चार प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदनक, अग्रचयवर्णक, चयवर्णक। कर्तंक की संख्या आठ, रदनक की चार, अग्रचयवर्णक आठ, और चयवर्णक 12। पहले दांत होते हैं कर्तंक जो भोजन को कटिंग करते हैं, दूसरे रदनक होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, तीसरे अग्रचयवर्णक जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, चौथे चयवर्णक होते हैं जो भोजन के साथ लार मिलाने का काम करते हैं। अब क्या आता है कि कुछ विशेष प्रकार के, जैसे आपने देखा होगा हाथी के दांत बाहर दिखाई देते हैं कौन से होते हैं पूछा जाता है, या खरगोश के दांत किसे कहते हैं, या हम जैसे ये जो कृतंक दांत होते हैं इन दांतों को हम खरगोश के दांत भी कहते हैं। छोटे बच्चे में दांत होते हैं कृतंक दांत होते हैं, खरगोश के दांत जैसे होते हैं, खरगोश के दांत इन दांतों को, दो दांतों को कहा जाता है, इन्हें हम खरगोश के दांत भी कहते हैं। अब जैसे आता है कि शेर में दांत कितने होते हैं, कुत्ते में दांत कितने होते हैं, बिल्ली के बच्चे में दांत कितने होते हैं, बिल्ली के अंदर दांत कितने होते हैं, मच्छर में दांत कितने होते हैं, और जो स्पेनियर फिश होती है उनके अंदर दांत कितने होते हैं। तो और फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको और पढ़ते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं अलग अलग दांतों के, पशुओं में अलग अलग दांतों की संख्या।
तो हाथी के जो दांत होते हैं बाहर दिखते हैं वो दांत कौन से होते हैं, पहला पॉइंट। तो हाथी के जो बाहर दिखने वाले दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े के कर्तनक दांत होते हैं। हाथी के बाहर दिखाई देने वाले दांत ऊपरी जबड़े के कृतंक दांत होते हैं। यानी कि काफी बार पूछा जाता है कि हाथी के जो दांत होते हैं कौन से होते हैं, किस जबड़े के होते हैं, तो ऊपरी जबड़े के कृतंक दांत होते हैं। अब आता है कि शेर में दांत कितने होते हैं, तो शेर में दांतों की संख्या होती है 30। फिर आता है कि कुत्ते में दांत कितने होते हैं, तो कुत्ता होता है उसमें दांतों की संख्या होती है 42। बिल्ली के बच्चे में दांत कितने होते हैं, तो बिल्ली के बच्चे में दांतों की संख्या होती है वो होती है 26, जबकि बिल्ली में दांतों की संख्या होती है वो होती है 30। चूहा होता है, इस चूहे में दांतों की संख्या होती है 18। मच्छर होता है, मच्छर में दांतों की संख्या होती है 47। और जो स्टोन फिश मछली होती है, स्पेनियर मछली फिश, तो इस मछली में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 250 से भी अधिक। तो ये थे दांतों के कुछ जानवर दांतों की संख्या काफी बार पूछी जाती है जो आपको याद रखनी होती है। अब आते हैं कि बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं। देखा था आपने सबसे छोटे बच्चे होते हैं उसमें दो दांत पहले आते हैं, तो वो दांत कौन से होते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले दांत निकलते हैं वो निकलते हैं कृतंक दांत निकलते हैं। बच्चों में सबसे पहले बच्चों में सबसे पहले कृतंक दांत निकलते हैं। दूसरा आता है कि कौन से दांत नुकीले होते हैं, तो रदनक दांत नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं, रदनक दांत नुकीले होते हैं। और फिर आता है कि दांतों के कार्य हमने पढ़ लिए, उसके बाद में आता है, एक आता है अक्कल दाढ़ कहते हैं जिसे हम अक्कल दाढ़। ये अक्कल दाढ़ क्या होती है, क्या ये हमारे भोजन के काम भोजन करने में काम आती है नहीं आती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अक्कल के दांत कहते हैं या अक्कल के दाढ़ होते हैं ये 4 होते हैं। और इसका प्रकार कैसा होता है, तो ये 6 वर्णक होते हैं। अक्कल दाढ़ होती है जो 6 वर्णक प्रकार की होती है, 4 होती है। 20 या 22 साल के बाद में आती है अक्कल की दाढ़ होती है, जो 20 या 22 साल के बाद में आती है। और ये एक अब वर्तमान में अवशेषी अंग बन गया है, अवशेषी अंग यानी कि ऐसा अंग जो हमारे शरीर में काम नहीं आता है, इसका कोई भी पाचन में कुछ भी कार्य नहीं आते, काम कुछ भी काम नहीं आते हैं। ऐसे दांत जो कुछ भी काम नहीं आते हैं। पहले जब मनुष्य मांस को खाता था, कच्चा मांस खाता था, घास फूस में रहता था, तो उस समय ये अक्कल दाढ़ आती थी, उस समय कुछ इसका महत्व तो था, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे एक अवशेषी अंग बन गया है, इसका कोई महत्व तो नहीं पाचन क्रिया में। अक्कल दाढ़ होगी तो भी हमारा वही सिस्टम होगा, नहीं होती है तो भी वही सिस्टम होता है। इसे कोई अक्कल या बुद्धि नहीं आती है, सिर्फ कहा इसका नाम है अक्कल दाढ़, बाकी अक्कल या बुद्धि नहीं आती है। इसकी अक्कल दाढ़ नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि 20 या 22 साल के बाद में आती है, तब तक मनुष्य की बुद्धि पूरी विकसित हो चुकी होती है, क्योंकि इसका नाम अक्कल दाढ़ पड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे दांतों के बारे में प्रकार। अब हम अगला इसका एक और पढ़ते हैं, जो है दंत सूत्र क्या होता है। आपने कभी पूछ सकते हैं कि दंत सूत्र किसे कहते हैं, तो दंत सूत्र हमारे पढ़ लेते हैं। दंत सूत्र दो प्रकार के होते हैं,
दंत सूत्र। एक होते हैं स्थाई दंत सूत्र और एक होते हैं अस्थाई दंत सूत्र। तो दंत सूत्रों में हम पढ़ते हैं, स्थाई दंत सूत्र पढ़ेंगे तो स्थाई दंत सूत्र का मतलब होता है, वो होता है 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 मतलब कुछ भी नहीं इसका, कि जैसे हमारे मुख में दांत होते हैं पूरे, हमारा मुंह इस प्रकार से जबड़े होते हैं, तो इस जबड़े को हम इस प्रकार से बांट लेते हैं तो यहां पर कितने दांत आएंगे, तो यहां पर दांत आते हैं वो आते हैं गदनक कर्तनक, यानी कि जो आधा भाग होता है वो आता है, तो एक पहले दो फिर दो फिर एक फिर दो फिर तीन, दो एक दो तीन, यानी कि इस प्रकार दांत यहां से होते हैं कर्तनक दांत शुरू होते हैं यहां से, तो दो कर्तनक फिर एक रदनक, सॉरी दो कर्तक एक रदनक फिर तीन अग्र चयवर्णक, सॉरी दो अग्र चयवर्णक और तीन चयवर्णक इस प्रकार से आते हैं। क्या आते हैं वापस देख लो, पहला आता है दो कर्तनक, फिर आता है एक रदनक, फिर आता है दो अग्र चयवर्णक और फिर तीन आते हैं चयवर्णक। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो दो दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ, यानी कि इसमें आठ, इसमें भी आठ, इसमें भी आठ, इसमें भी आठ, टोटल कितने हो गए आठ आठ आठ, आठ सौ 32। तो यह था हमारा स्थाई दंत सूत्र। तो स्थाई दंत सूत्र में संख्या पूछ सकता है, तो स्थाई दंत सूत्र में दो होते हैं कर्तनक, एक होता है रदनक, दो होते हैं अग्र चयवर्णक और तीन होते हैं चयवर्णक। यानी कि आप पूछे जा सकते हैं कि स्थाई दंत सूत्र में चयवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, या स्थाई दंत सूत्र में अग्र चयवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, वो लिखना है। इसी प्रकार अस्थाई दंत सूत्र होता है, तो अस्थाई दंत सूत्र में दांतों के जो सूत्र होते हैं वो होते हैं दो एक जीरो दो, दो एक जीरो दो, दो एक जीरो दो, दो एक जीरो दो। इसमें क्या होता है कि दो होते हैं कर्तनक, एक होता है रदनक, अग्र चयवर्णक होते हैं नहीं, अचयवर्णक होते हैं दो। तो बच्चे के अंदर अग्र चयवर्णक दांत नहीं आते हैं पहले, नुकीले दांत होते हैं जो कम आते हैं। इसके बाद में दांतों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो दांतों की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। दंत सूत्र लिख लिया होगा आपने, यानी कि दंत सूत्र होता है स्थाई दंत सूत्र होता है, वो होता है 2 1 2 3 और अस्थाई होता है 2 1 0 2। ये होता है स्थाई और ये होता है अस्थाई, जो मैंने लिखा दिया ऊपर 2 1 2 3 का मतलब क्या होता है वो लिख लिया है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि दांतों की संरचना कैसी होती है, दांतों की संरचना। आपने देखा होगा हमारे दांतों में कुछ विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग होता है जो सफेद रंग का होता है। तो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग सफेद रंग का होता है। इस सफेद रंग का कारण होता है डेंटिन या इनामेल। जो सबसे कठोर भाग होता है, इसका निचला भाग होता है जो लाल रंग का होता है, निचला भाग लाल रंग का होता है, जिसे हम कहते हैं मसूड़े, जो मांसपेशियों के बने होते हैं। अब होता है कि इनामेल किसका बना होता है, तो इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। तो इनामेल बना होता है इनामेल, तो ये बना होता है CaCO3+CaPO4 का बना होता है। CaCO3 और CaPO4 से मिलकर के बना होता है, और इसमें
जल होता है वो 0% होता है, पानी बिल्कुल उपस्थित नहीं होता है। फिर आता है दांतों से संबंधित रोग क्या होता है, तो दांतों से संबंधित रोग का नाम होता है दंत क्षय रोग, जो पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से होता है। तो पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से दंत क्षय रोग होता है। जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है दंत क्षय रोग होता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, पीले पड़ करके टूटने शुरू हो जाते हैं, उसे दंत क्षय रोग कहते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक था दांत वो पूरा हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक है जीभ, जो अभी हम जीभ पढ़ते हैं और साथ में जो ग्रंथियां होती है लार ग्रंथि, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। आप कहीं जाइएगा मत, अभी मैं एक सेकंड वापस है, कुछ काम है, एक सेकंड में आया। चलिए अब हम पढ़ते हैं जीभ। तो जीभ का क्या मतलब है, जीभ कितने प्रकार की होती है और जीभ में कौन से भाग से कौन सा स्वाद प्राप्त होता है, ये पढ़ना है। साथ में हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि भी। तो हमने कहा था कि हमारे जो पाचन तंत्र का जो मुख वाला भाग है वो आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो मुख वाले भाग में हमने पहला टॉपिक पढ़ा जीभ, दूसरा टॉपिक याद हमारा सॉरी दांत, दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम जीभ। जीभ क्या है, तो जीभ एक संवेदी अंग है। जीभ एक संवेदी अंग है, यानी कि इस पर इससे हमें कुछ उनको सूचनाएं प्राप्त होती है। तो क्या होता है, तो इससे स्वाद का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है, किसी भी चीज का स्वाद कैसा है तो स्वाद का पता चलता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है, जीभ है वो मांसपेशीय अंग है, मतलब कि इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा जाता कि जीभ में हड्डी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि जीभ को, जीभ जिस हड्डी से जुड़ी होती है उस हड्डी का नाम क्या है। तो हमारे मुख के अंदर जीभ को पकड़कर या जोड़कर रखने वाली हड्डी का नाम क्या है, पकड़कर या रखने वाली हड्डी का नाम, तो उसका नाम है आयोड। इंग्लिश में भी आयोड, हिंदी में भी आयोड। तो आपको पूछा था कि जीभ को जो पकड़ के रखे सड़ी का नाम क्या है, तो सड़ी का नाम है आयोड। अगला आता है कि जीभ की लंबाई कितनी है, तो जीभ की लंबाई होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। जीभ की लंबाई, हमारे मुख में जो जीभ होती है उस जीभ की लंबाई होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। फिर आता है कि जीभ में स्वाद किसे पता चलता है, तो स्वाद का पता चलता है वो होता है स्वाद कणिकाएं, स्वाद कणिकाएं। तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। अब आता है कि जीभ से कौन कौन से स्वाद का पता चलता है, तो चलिए हम बना लेते हैं कि जीभ के किस भाग में कौन सी स्वाद का स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। तो हम जीभ का डायग्राम बनाते हैं। यानी कि लगभग हमारी ऐसी जीभ होती है, ये होता है जीभ का अगला भाग। फिर ये होते हैं जीभ के साइड वाले भाग,
ये होता है जीभ का मध्य भाग और ये होता है जीभ का पिछला भाग और यहां से जीभ जुड़ी होती है। तो ये जीभ के अलग अलग पार्ट है। तो इस जीभ में हमें अलग अलग स्वाद के पता चलते हैं। तो स्वाद का पता चलता है सबसे अगले वाले भाग होता है, इससे मीठा स्वाद का पता चलता है। मीठा स्वाद होता है तो सबसे आगे वाले भाग से पता चलेगा। यदि हमें किसी प्रकार का नमकीन स्वाद का पता करना है तो इन दोनों भागों से हमें नमकीन स्वाद का पता होता है, नमकीन स्वाद का पता चलता है। खट्टे स्वाद का पता करना है तो मध्य भाग में पता चलता है, खट्टे स्वाद का, खट्टा। और यदि कड़वा है तो कड़वे स्वाद का पता इस भाग से चलता है, पीछे वाले भाग से। और प्याज, लहसुन, अदरक, इनको खाने से जो हमारे जीभ में मिर्ची खाने से जो झंझनाहट होती है वो इस भाग में होती है। तो ये जीभ के स्वाद के पता करने के हो गए। तो जीभ का स्वाद कौन से भाग से पता चलता है, तो अग्र भाग से पता चलता है, वो चलता है मीठे का। मध्य भाग से नमकीन या खट्टे का और पच्चे भाग से कड़वे का। तो यहां लिख दो आप, कुछ भागों के नाम भी लिख दो। मीठे भाग वाला होता है जीभ का अग्र भाग, ये होता है मध्य भाग, ये भी होता है मध्य भाग और ये होता है पच्चे भाग। तो इस प्रकार से जीभ के बारे में हमने पढ़ा। अब आता है कि मुंह के अंदर जो लार ग्रंथि होती है उस लार ग्रंथि में किसका पता चलता है या क्या होती है लार ग्रंथि। तो अब हम पढ़ लेते हैं लार ग्रंथि। तो जो हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है उसे हमें लार में बनती है और लार ग्रंथि से लार बनती है। और ये कान, निचले जबड़े और जीभ के नीचे पाई जाती है और तीनों से लार बनती है। लार जब खाने में आती है तो खाना खाने में लार मिलने पर लार प्लस खाना जो हम खाते हैं वो मिलने से जो बनता है उसे हम कहते हैं बोलेस या बोलस कहते हैं। लार और खाना मिल जाता है तो भोजन का रूप हो जाता है, बोलस रूप हो जाता है। फिर आता है कि लार का पीएच मान कितना होता है, काफी बार पूछा जाता है। तो लार का पीएच मान होता है 6.8, यानी कि लार अम्लीय माध्यम का होता है। लार की खुद की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय प्रकृति होती है, लेकिन हम ज्यादा पानी पीते हैं इसलिए लार की प्रकृति फिर सारी हो जाती है। लार में क्या होता है, तो लार में 99% लार के अंदर 99% पानी प्लस 1% एंजाइम होता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और यही एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी कि इस एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मैंने पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंशिक पाचन मुख में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और कितना परसेंट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो 70% पाचन हो जाता है, 30% कार्बोहाइड्रेट शेष रह जाता है। और यहां से ग्लूकोज का रूप स्टार्च और माल्टोज में बदलता है, भोजन हमें मीठा लगना भी शुरू हो जाता है। यह था इस एंजाइम का कार्य। तो और साथ ही साथ में इस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो दूसरा एंजाइम होता है लार में, एक होता है एमाइलेज टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम एंजाइम होता है, ये जीवाणु आते हैं भोजन के साथ में तो जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है ये लाइसोसोम। तो ये था हमारा
आज का टॉपिक पाचन तंत्र का पहला पार्ट मुख गुहा, जिसमें हमने दांत, लार और जीभ के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, आगे शेयर करें, और जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये पाचन तंत्र सभी विद्यार्थियों के विज्ञान की बुक में सबको पढ़ना पड़ेगा। तो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, और कोई भी बंदा कंपटीशन की तैयारी करता है तो कंपटीशन वाले बंदे के लिए भी ये बहुत ही, उस बंदों को भी ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करावें और वीडियो को पूरा जरूर देखें और देखने का आग्रह करें। धन्यवाद।